अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनवी तमाज चैनल। आज की वीडियो बहुत ज़बरदस्त होने वाली है, यकीन करो। और जिसने आज की वीडियो पूरी देख ली मेरे भाई, वो समझ लो पैसों की बरसात होने वाली है उसके ऊपर। क्योंकि जो मैं आज बताने जा रहा हूँ आप लोगों को, उसको आप लोग बना के सेल भी कर सकते हो और उसके ऊपर एडसेंस लोडिंग कर सकते हो। सेल करना है तो मैं बाय करने के लिए तैयार हूँ, सही है। और जो है सेलिंग प्राइस बहुत हाई है इसकी, क्योंकि गूगल एडसेंस के जो अप्रूवल है वो आजकल बहुत मुश्किल हो रहा है मिलना। तो ये एक मैं आप लोगों से ये कहना चाह रहा हूँ, xblocks.jp इस पर अभी अप्रूवल मिल रहा है तो ले लो मेरे भाई, अप्रूवल मिल रहा है। ऐसा ना हो कि कुछ टाइम बाद इस पर अप्रूवल मिलना भी बंद हो जाए और आप लोग सर पकड़ के बैठ जाओ। जो बना रहा है वो अपने पास रख ले, बना के अनलिमिटेड जितने बना के रखना है रख लो। उससे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि आप लोगों के पास एक्टिव डैशबोर्ड होना चाहिए गूगल एडसेंस का। ये मैं आप जरूर मैंने जो है ये देखो पिन वेरीफाइड जो है इसको बाय किया हुआ है मैंने। ये 5,000 रुपये में लिया था। जिसको पिन वेरीफाई चाहिए वो पिन वेरीफाई ले सकता है, एड्रेस वेरीफाई है, दोनों है। लेकिन आप लोगों की सिर्फ छोटी सी इन्वेस्टमेंट लगेगी, 700-800 रुपये का एक एक्टिव डैशबोर्ड मिल जाता है। क्यों एक्टिव डैशबोर्ड में क्यों बोल रहा हूँ मैं, इसलिए बोल रहा हूँ कि आप लोगों को आधे घंटे के अंदर 20 मिनट के अंदर मेल आ जाएगी कि आपका जो xblocks का अकाउंट है वो अप्रूव कर दिया है गूगल एडसेंस ने। तो यही मैं आप लोगों से बोलना चाह रहा हूँ कि एक्टिव डैशबोर्ड आप लोग को अगर बाय करना है तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, नहीं तो आप लोग किसी से भी ले सकते हैं, वो आपकी मर्जी। मैं इसको पिन वेरीफाइड के साथ कनेक्ट कर रहा हूँ, वो उसकी वजह ये है कि मैं इसके ऊपर एडसेंस लोडिंग करूँगा। यहाँ पे देखो $10 पहले से हैं और एड साइट के अंदर कोई साइट भी नहीं है। और जो है साइट के अंदर देखें तो यूफैन की जो है इसके अंदर प्रोफाइल लगी हुई है, नीड अटेंशन। तो ये इसको वेरीफाई किया गया है। तो अभी हम क्या करते हैं कि xblocks पूरी कंप्लीट कोर्स मैं आप लोगों को इसके अंदर बता रहा हूँ। और जो है देखो xblocks.jp ये आपको लिखना है और इंटर कर देना है। कंप्लीट कोर्स बता रहा हूँ, ये कोर्स देखने के बाद आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं है। शुरू से लेकर एंड तक किस तरीके से आर्टिकल डालना है, किस तरीके से अप्रूवल लेना है, ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, सही है। और यहाँ से ब्लॉक ओपन के ऊपर हम लोग क्लिक करेंगे तो ये बोलेगा कि भाई पहले जो है देखो इसके ऊपर अगर हम लोग क्लिक करते हैं तो ये बोलेगा कि इसको रजिस्ट्रेशन करो। तो हम इसके ऊपर न्यू रजिस्टर करते हैं तो यहाँ पे आईडी डलेगी हमारी। हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर मैं दे देता हूँ हम्माद, देखते हैं है नहीं है, नहीं है हम्माद 1218 ये देख लेते हैं, ये हम यूज़ कर सकते हैं, कैन बी यूज्ड। या हमें पासवर्ड किस तरीके से लिखना है ज़रा पासवर्ड पे गौर करिएगा। पासवर्ड हमें इस तरीके से लिखना है जैसे आपका एक पासवर्ड है हार्ट, एक मिसाल दे रहा हूँ हार्ट, तो एच बड़ा लिखना है और ये हार्ट हमने लिख दिया है। और इसके बाद हमें जो है नंबर डालने हैं इस तरीके से, दो नंबर डाल देना, दो तीन, और इस तरीके से ये इस टाइप का हमारा पासवर्ड लगेगा। ये भी स्मॉल कैपिटल और नंबर और सिंबल वगैरह ये आना चाहिए पासवर्ड के अंदर, जब कि आपका पासवर्ड ये वेरीफाई करेगा। तो मैं यहाँ पे अपना एक पासवर्ड डाल देता हूँ, ये हमारा 100% सेफ पासवर्ड हो चुका है, क्योंकि मैं पासवर्ड सेफ ही रखता हूँ, मेरा हार्ड पासवर्ड ही है, क्योंकि हमारे जो है बहुत। और ये मेरा री इंटर पासवर्ड हो चुका है। और यहाँ से अब देखो जिसको कमाना है वही देखे, जिसको थोड़ा नहीं कमाना वो अल्लाह हाफिज। तो यहाँ पे हमने अपनी ईमेल डाल दी है और जो है यहाँ से अब ये कह रहा है कोई ऐसी चीज़ हो कि मतलब जब आपका सिक्योरिटी क्वेश्चन, चलो छोड़ो कर सिक्योरिटी क्वेश्चन हमें लिखना है। फर्स्ट नेम यहाँ से मैं दे देता हूँ फर्स्ट पेड, ये दे देता हूँ
यहाँ पे मैं ये लिख देता हूँ, और आप लोग कुछ भी कर सकते हो। सेक्स में क्या डालना है, मेल, और यहाँ से डेट ऑफ बर्थ कुछ भी रेंडमली डाल दो, आपकी मर्जी है, मैं डाल देता हूँ कुछ भी। और जो है ये क्या है, एयर है ये। अच्छा 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 ये डाल देते हैं, और यहाँ से हम कर देते हैं, ये हमने कर दिया है। और पोस्टल कोड आपको 7 लफ्ज़ों का डालना है, देखो यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है हमें, 7 लफ्ज़ों की हमें डालनी है। यहाँ पे मैं रेंडमली कुछ भी डाल देता हूँ, ये लो 7 लफ्ज़ों का मैंने डाल दिया है, 7 है 6, एक और डाल देता हूँ, ये लो। तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे, रजिस्ट्रेशन कर देंगे यहाँ से कंप्लीट, और बस बस बस, और ये बस। वीडियो को गौर से देखना, और यहाँ पे एरर क्या आया यहाँ पे ट्रांसलेट कर लेंगे हम। और जो एरर क्या आया है, पासवर्ड कैन नॉट बी यूज, करेक्टर्स कैन नॉट बी यूज। अच्छा दोबारा करके देख लेता हूँ मैं, ऐसी कोई बात नहीं है। पासवर्ड का ही कह रहा है ये, तो देखो आपके साथ भी मसला आ सकता है, तो मैं यहाँ पे कुछ और डाल देता हूँ, डॉलर लगा दिया है मैंने, डॉलर लगा देता हूँ। नहीं क्या कह रहा है ये, इसकी पहले पढ़ लें हम, ये बोल क्या रहा है। अच्छा तो ये हटा के देख लेते हैं, और यहाँ से हम इंटर कर देते हैं। अच्छा ये कह रहा है कि ये सैंपल हमें नहीं लगाने, बस छोटा बड़ा करके लिखना है, नंबर लिखना है, बस ये सैंपल नहीं लगाने। ओके कर दिया है, और ये इसको नेवर, और यहाँ पे कह रहा है भाई ये गौर से देख लो, और ये राउट डाउन जो भी करना है तुम्हें वो कर लो, और यहाँ से स्टार्ट कर दिया है, ये हमारा ब्लॉग स्टार्ट हो चुका है। यहाँ से अगर हम यहाँ लिखेंगे स्टार्ट अ ब्लॉग हम करेंगे, तो अब ये बोल रहा है स्टार्ट अ ब्लॉग मैंने कर दिया है, अब ये बोल रहा है कि भाई यहाँ पे यूआरएल दो, तो हम अपना मर्जी का यूआरएल बना सकते हैं यहाँ पे, जो हमें अपनी वेबसाइट का नाम रखना है आगे, जैसे हमारा पहले ब्लॉगर डॉट कॉम हुआ करता था, ब्लॉग स्पॉट डॉट कॉम था, यहाँ पे एक्स ब्लॉग डॉट जेपी है। तो यहाँ पे मैं अर्न विथ हम्माद कर देता हूँ, मेरी मर्जी, आप लोग कुछ भी लिख सकते हो, अपना नाम लिख दो, जो लिखना है वो लिख दो, नहीं तो फिर यहाँ चलो मैं आपके कहने पर मैं इसको लाइव नहीं डेली लाइव कर देता हूँ, इसको डेली लाइव, ये लो डेली लाइव मैंने कर दिया यहाँ पे। और ये अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे टाइटल भी यही दे देता हूँ, डेली लाइव, डेली लाइफ कर दिया है मैंने, क्योंकि मैं लाइफ इंश्योरेंस पे बनाने वाला हूँ, तो डिस्क्रिप्शन में भी जो है लाइफ इंश्योरेंस कर देता हूँ यहाँ पे, लाइफ इंश्योरेंस कर दिया मैंने, और यहाँ पे रिलीज कर दिया है, और जो है इसको सही है क्रिएट अ ब्लॉग कर देंगे। अब ये एरर क्या दे रहा है उसको हम पढ़ लेते हैं इंग्लिश में करके, ब्लॉग यू आर कैन नॉट बी यूज डेली लाइव, जेड कर देते हैं, लाइव्स कर देते हैं, चलो। और इसको हम, ये एरर आपके साथ भी आ सकते हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या सीन है इसका, सही है। और पेज को अब क्या करते हैं हम, अब ये देखो, देखा इसको ट्रांसलेट करेंगे, अब देखो
फिर आप लोगों को क्या करना है, आप असल में इसको पहले वेरीफाई करना होता है, आपके पास मेल आएगी इस तरीके की, और जो है यहाँ से आप लोगों को ये वाला लिंक देख रहे हैं इसके ऊपर क्लिक करना है। और देखो मैंने वेरीफाई करा हुआ है, यहाँ पे आप पासवर्ड डालेंगे तो आप वेरीफाई कर लेंगे, मैंने भी वेरीफाई करा है। और जो है उसके बाद जो है इसको आप लोगों को लॉग आउट करना है, जब तक आप लोग लॉग आउट नहीं करोगे आपके पास ये नहीं आएगा। लॉग आउट करना है, लॉग आउट करके वेरीफाई पहले करना है, उसके बाद लॉग आउट करना है, लॉग आउट करने के बाद इसको जो है दोबारा से खोलना है आपको, मतलब साइन इन करना है। सही है, हमारा ब्लॉग तो वैसे क्रिएट हो गया, अगर व्यू माय ब्लॉग के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ से जो है हमारा ब्लॉग कुछ इस टाइप का लग रहा है, इस टाइप का दिख रहा है। तो अभी हम इसको खूबसूरत सा बनाएंगे। तो अभी फ़िलहाल मेरे पास देखो यहाँ पे अगर मैं क्लिक करता हूँ राइट एन आर्टिकल के ऊपर, मैं ये अभी राइट एन आर्टिकल जो है वो नहीं आ रहा था, तो मैंने इसके ऊपर लॉग आउट करके दोबारा ओपन किया, वेरीफाई किया ईमेल को, तो ये आने लग गया राइट एन आर्टिकल। अब आर्टिकल किस तरीके से हमें लिखना है, इसको सबसे पहले हम जो इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर क्लिक कर देते हैं, यहाँ पे ट्रांसलेट टू इंग्लिश। अब यहाँ पे टाइटल देना है, यहाँ पे कैटेगरी देनी है और टैग वगैरह देना है। तो अभी हम क्या करते हैं, आर्टिकल किस तरीके से लिखना है, कैसे लिखना है, और जो है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ये चैट जीपीटी है तो इसके बारे में सभी जानते हैं, यहाँ पे चैट जीपीटी लिखेंगे तो गूगल पे तो आप लोग के पास ये वेबसाइट आएगी, इसके ऊपर साइन इन करना है चैट जीपीटी के ऊपर। और यहाँ पे हमारी जो कैटेगरी है वो है लाइव इंश्योरेंस की, तो हम जो है क्या करेंगे यहाँ से यहाँ पे लिखेंगे हम राइट एन आर्टिकल, ऑन 500 वर्ड्स ठीक है। और यहाँ पे लिखेंगे हम किस पे लिखेंगे, बेबी इंश्योरेंस कर देते हैं यहाँ पे, बेबी लाइफ इंश्योरेंस ये हमने कर दिया इंश्योरेंस। और इसके ऊपर जो है ये आर्टिकल करना शुरू कर देगा, और ये देखो हमारे पास जो है ये 500 वर्ड का ये आर्टिकल हमें राइट करके दे रहा है। और हमें क्या करना है, इसको पूरे को हमें यहाँ से कॉपी करना है, टाइटल भी इसने हमें दे दिया है, और जो है देखो यहाँ इंट्रोडक्शन से लेके हमें इसको पूरा यहाँ तक, मैं सही बोल रहा हूँ, इसके ऊपर जब तक कोई अपडेट वगैरह आए इससे पहले इसके ऊपर अकाउंट बना लो और रनिंग करना शुरू करो मेरे भाई। यहाँ पर इसको कॉपी पेस्ट कर दिया है, और जो है यहाँ पे इसने हमें दिया होगा एक टाइटल, तो ये टाइटल हमारा ऊपर ये रहा टाइटल, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ये टाइटल हमारा आ गया है। और इसको हमने टाइटल को यहाँ पे कर दिया है, और कैटेगरी हमें कौन सी से, कैटेगरी हमारी बनी भी नहीं है तो कैटेगरी हम बना लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हम कर देते हैं इंश्योरेंस। कैटेगरी बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ऐड करेंगे यहाँ से, और ये हमारी एक कैटेगरी बन गई है, डिस्प्ले बहुत सही है, चेंज सही नहीं, सही है बस, सही है ओके डन, ये हमारी कैटेगरी बन गई है। और यहाँ इंश्योरेंस के अंदर हम डालेंगे, और यहाँ पे लिखेंगे बेबी इंश्योरेंस, या बेबी इंश्योरेंस हमने कर दिया यहाँ पे, और सॉरी टैग के अंदर स्पेस नहीं आता, मैं आपको बता रहा हूँ, और ये हमारा टैग लग गया, या कॉमा लगा देंगे, इसको पहले मैं समझ में नहीं आ रहा, इसको मैं वो करूं, सही है, और ये हमारा लग चुका है। और अब क्या करता हूं मैं यहाँ पे इसकी हेडिंग को जो है सही तरीके से इसको, भाई यार ये तो हाँ सही है, अब इसकी हेडिंग को मैं हेडिंग कर देता हूँ यहाँ से, इसको बोल्ड कर दिया मैंने, ठीक है, और जो है वर्डप्रेस की तरह है लेकिन थोड़ी सी मुश्किल होगी, साइज इंक्रीज करना है इसका, चलो छोड़ो अभी इसको हम क्या करते हैं, इसका बोल्ड कर देते हैं, हमें कौन सा अभी कोई इसकी अपडेट पॉलिसी वगैरह तो आई नहीं है, जो हमें अभी कोई पंचायत में पढ़ना नहीं है, अभी सिर्फ डायरेक्ट आर्टिकल लिखने। और अच्छा एक चीज़ आप लोगों को बता दूँ, इसके अंदर 4 से 5 आर्टिकल आप लोग लिखोगे, उसके बाद आप लोग गूगल एडसेंस के लिए अप्लाई करोगे, मैं अभी अप्लाई करके दिखा दूंगा कि किस तरीके से अप्लाई करना है, तो आप लोगों को जो है पहले इस तरीके से ही अप्लाई करना है। और यहाँ पे बेबी लाइफ इंश्योरेंस की जो इमेज आएगी तो वो मैं उठा लेता हूँ, तो मैं कहाँ से उठाऊँ, मैं यहाँ से इसको पिक्सल्स
com, यहाँ पे हम लिखेंगे बेबी इंश्योरेंस। ये एक ऐसी वेबसाइट है जहाँ पे नॉन कॉपीराइट, कोई कॉपीराइट नहीं, और इसके अंदर कॉपीराइट का कोई चक्कर भी नहीं है ईएक्स ब्लॉक्स के अंदर। तो ऐसा नहीं करना कि मेरे ही कॉन्टेंट आप लोग जो उठा लो, आप लोग अपने अलग अलग कॉन्टेंट बनाओ, वो लगाओ, कोई भी बेबी की तस्वीर उठा लो। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ से ये वाली तस्वीर उठा लेता हूँ। कहाँ गई, बेबी लाइफ करता हूँ यहाँ पे। बस सही है, कोई सी भी उठा लेते हैं, ये उठा लेते हैं, ये वाली। इसको हम डाउनलोड करेंगे और ये फ्री डाउनलोड के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ से डाउनलोड हो जाएगी। तो ये देखो डाउनलोड हो गई है, तो मैं यहाँ से इसको ओपन करता हूँ पिक्सल्स, और ये यहाँ से मैं इसको रीनेम कर देता हूँ। F2 दबाऊँगा, रीनेम हो जाएगा, बेबी करूँगा, बेबी लिख दिया है मैंने यहाँ पर, और ये ओपन हो गई है, देख लो सही है। अब क्या करना है, यहाँ से मैं इसको, एक तो मैं इसकी तस्वीर यहाँ पे लगा दूँगा बेबी इंट्रोडक्शन के नीचे, और यहाँ से एक इमेज लगानी है हमें, अपलोड इमेज के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ से सेलेक्ट इमेज करेंगे, और यहाँ से हम डाउनलोड्स के अंदर आएंगे, यहाँ ये रही बेबी, और यहाँ पे अपलोड के ऊपर हम लोग क्लिक करेंगे। अभी यहाँ पर आने दो, ये अपलोडिंग कर रहा है, अपलोड बहुत देर लगाता है भाई तू। और यहाँ पे देखो ये तस्वीर हमारी आ गई है, और यहाँ से हम लोग इसको जो भी है लेफ्ट साइड जो भी है वो कर सकते हैं, और जो है ठीक है, ये हमारी इमेज लग गई है। और अब जो है क्या करना है, इसको खूबसूरत सा आप लोगों को बनाना है, और कुछ भी नहीं करना है, बाकी सब जो है वो हो जाएगा सेट। थंबनेल इमेज यहाँ से थंबनेल दे देंगे, और इसको राइट क्लिक करके इंग्लिश करेंगे, इसके ऊपर क्लिक नहीं करना है बल्कि ऐसे ही इसको चॉइस कर देते हैं, और ये कर दिया हमने, और ये डन हो गई, थंबनेल भी लग गया हमारा, और यहाँ से हम इसको पब्लिक कर देंगे। ये हमारा एक आर्टिकल लग गया है ठीक है। और अगर अभी हम अपना ब्लॉग खोलेंगे तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि किस तरीके से, दिखाओ मैं मेरा ब्लॉग व्यू ब्लॉग करेंगे, तो यहाँ पे हमारा एक आर्टिकल आ चुका है, और जो है इसके ऊपर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो ये हमारा एक आर्टिकल आ चुका है, ये पूरा हमारा आर्टिकल रेडी हो चुका है। देखो कितना प्यारा लग रहा है, कितना अच्छा लग रहा है। आप लोगों को 5 आर्टिकल लगाने हैं यहाँ पे, 5 आर्टिकल डालने हैं इस तरीके से, और जो है मैंने अभी एक डाल दिया है। और अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं इसको यहाँ से मैं इसको राइट क्लिक करके सबसे पहले तो इसको, हाँ, और अब मैं इसको बैक करता हूँ। यहाँ से हमें अपना ये वाला URL, सॉरी अभी मैं आप लोगों को पहले एक सेटिंग बता दूँ। यहाँ से बेसिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर हमें आना है, और यहाँ पे नीचे आएगा क्या कहते हैं, ये रही देखो गूगल एडसेंस की पब ID यहाँ पे लगेगी, और जो है ये रही यहाँ से कांगिया, ये रहा डिज़ाइन सेटिंग, मतलब हम इसकी जो है थीम चेंज करेंगे, ट्रांसलेट कर लेते हैं, नहीं ये रहा। तो अब क्या करना है, हमें कोई भी थीम लगा देनी है यहाँ पे। सबसे पहले हम प्रीव्यू देख लेंगे, बल्कि प्रीव्यू और ये स्क्वायर, नहीं, कोई सी भी लगा देते हैं, नेक्स्ट करता हूँ मैं पेज। ये सब फ्री में है, और इसका प्रीव्यू देख लेते हैं भाई। फर्स्ट पेज पर ही आता हूँ, यहाँ से ही कोई थीम देख लेता हूँ। लाइफस्टाइल, ये लाइफस्टाइल, क्योंकि हमारा टॉपिक जो है वो लाइफ स्टोरेज का है, तो यहाँ से इसको हम
एप्लीकेशन कर देंगे और ये हमारी थीम लग चुकी है। अब हम यहाँ से आके जो है इसका इसको रिफ्रेश करके देखते हैं पेज को कि क्या, देखो कितना प्यारा लग रहा है। और इंग्लिश में करते हैं इसको, तो ये हमारी जो है थीम आ चुकी है और मैं इसको यहाँ से सिक्योर करता हूँ। देखो कितना ज़बरदस्त लग रहा है और ये हमारा डन हो गया है। अब क्या करना है, मैं आर्टिकल में डालता हूँ यहाँ पे जल्दी जल्दी से, कम से कम दो आर्टिकल तो डालूँ यार। इसके ऊपर मैंने क्लिक करा और यहाँ से मैं, मेरे पास जो जो आर्टिकल है और जो है ये कौन सा है, हेल्थ ब्लॉग, सॉरी बेबी लाइफ मैकेनिकल, ये मेरे पास पहले से लिखे हुए हैं तो मैं इनको डाल दूँगा। ये आ गया है हमारा और ये इसको कॉपी पेस्ट कर दिया है। और अब यहाँ से मैं इसका टाइटल ले लूँगा, व्हाट इज़ मैकेनिकल इंश्योरेंस इन 2023, ये मेरा टाइटल है। ये टाइटल आ गया, ये इंश्योरेंस की कैटेगरी आ गई, ये बेबी, ये इंश्योरेंस, सिर्फ इंश्योरेंस यहाँ लिख दूंगा और ये ठीक है। और यहाँ से अब इसको हम थोड़ा सा अच्छा करेंगे और कोई हेडिंग नहीं है तो इसी को, इसको ये देखो एडवर्टाइज कॉमर्स के अंदर है ताकि थोड़ा सा इंप्रेशन ज़रा अच्छा पड़े हमारा, तो ये हमने लिख दिया है और हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ से इसको रिलीज कर देंगे। अगर हम यहाँ पे आके ये देखो हमारा दूसरा आर्टिकल भी आ गया है, तस्वीर इमेजेस में भी खुद ही लगा लूँगा। ये हमारा दूसरा आर्टिकल भी आ गया है, दो आर्टिकल हो गए हैं और ये तीसरा। यहाँ से मैं इसको लिंक ऑफ लिस्ट ऑफ आर्टिकल करता हूँ तो यहाँ पे हमारे जो आर्टिकल लिखे गए हैं वो आ गए हैं। और यहाँ से मैं एडिट के ऊपर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मुझे एक इमेज लगाने की ज़रूरत है, तो मैं एक मैकेनिकल बंदे की तस्वीर ले लेता हूँ। तो मैं यहाँ से मैकेनिक कर दिया, चलो मेरा मैकेनिक, ये मैकेनिक मैंने यहाँ कर दिया है और ये यहाँ पे हमारे पास मैकेनिक आ जाएंगे सारे। तो अभी क्या करता हूँ, मैं ये वाली ले लेता हूँ, फिर डाउनलोड करा इसको मैंने, जिसको जो पार्ट आता है वो आगे जा सकता है, हमें सिर्फ यही आता है। और जो है ये कर दिया मैंने, बी एन बी भी क्या है ये जो भी है। और यहाँ से मैं जो है इसकी तस्वीर में लगा देता हूँ और यहाँ से मैं सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ से बी एन बी भी मैंने लगा दी और यहाँ से इसको अपलोड कर देंगे। थोड़ा सा वेट लगेगा और जो है जब तक तस्वीर और अपलोड होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, और ये दो दफ़ा हो गई है तो इसको मैं, अबे यार एक तो इनकी जेपनीज़ है ना भाई, क्या करें। ये इसको मैंने सेलेक्ट किया, ये यहाँ पर आ गई सही है। और मैं यहाँ से इसको किप कर देता हूँ, केप, और ये किप हो गया है और हमारा जो आर्टिकल है वो कुछ अब इस तरीके से दिखने वाला है। इसके ऊपर मैं यहाँ से अगर मैं क्लिक करूँ, देखो कितना प्यारा लग रहा है और इस तरीके से हमारा एक ब्लॉग तैयार हो रहा है। अब मैं आप लोगों को ये बताऊँ कि किस तरीके से आप लोगों को इसको अप्लाई करना है गूगल एडसेंस के लिए। सबसे पहले आप लोगों को आपका ये यूआरएल आपको दिया जाएगा, आपको इसको कॉपी करना है किसी एक नोटपैड के ऊपर, इसको सेव कर लेना है। सेव कर लिया इसको मैंने, फाइल सेव कर दी। और अब मैं क्या करूँगा, गूगल एडसेंस के अंदर आऊँगा, मेरा पिन वेरीफाइड एडसेंस है और यहाँ पर मैं साइट्स के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। अगर तो यहाँ से मैं न्यू साइट के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर मैं इसको कॉपी पेस्ट कर दूँगा और ये जाके इसको सेव कर दूँगा। ये पब्लिशर आईडी दे रहा है, ये पब्लिशर आईडी इसलिए दे रहा है कि इनको पता चले कि एड्स शो करवाना है। तो यहाँ पे मैं इसको कॉपी करूँगा, यहाँ पे मैं आऊँगा इसको राइट क्लिक करूँगा यहाँ से, और जो है बेसिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आऊँगा और नीचे आऊँगा यहाँ पे देखें पब आईडी, ये पब आईडी है हमारी और इसको मैंने यहाँ से पब कर दिया है। और जो है ब्लॉग सर्च कंसोल सही है,
और इसको एप्लीकेशन मैंने वो कर दिया है। अब हमें ज़रूरत है एक गूगल एनालिटिक्स की, तो मैं यहाँ से गूगल एनालिटिक्स की जो है मैं वो गूगल एनालिटिक्स लॉगिन, तो यहाँ पे हम गूगल एनालिटिक्स लॉगिन करेंगे। तो यहाँ पे साइन इन के ऊपर हम क्लिक करेंगे, नहीं सॉरी इसको मैंने हटा दिया। और ये अब ये लोडिंग कर रहा है और हमें लेके जाएगा स्टार्ट मेजरिंग के ऊपर, हमने क्लिक करा यहाँ से। और यहाँ पे हमें अपना नाम देना है, माय अकाउंट नेम। तो मैं यहाँ से डेली लाइव्स कर दूंगा। और जो है यहाँ से मैं नेक्स्ट करूँगा, वही करना है डेली लाइव। टाइम जोन इसको नहीं छेड़ते यूएस डॉलर, बल्कि टाइम जोन हमें रखना है पाकिस्तान। मैं पाकिस्तान से, तो पाकिस्तान ही करूँगा। इसको नेक्स्ट करा और यहाँ पे हमें क्या करना है, हेल्थ इंश्योरेंस जो आपकी कैटेगरी होगी वो आपको करना होगा यहाँ पे। इस पे कर देते हैं। इसको हमने एक्सेप्ट करा और नीचे तक आया। नीचे तक आने के बाद इसको पूरा पढ़ा और एक्सेप्ट कर दिया। और ये हमारा वेब के ऊपर हम क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे हमें जो है अपनी वेबसाइट के यूआरएल देना है, तो हमने यूआरएल दे दिया है। वेबसाइट नेम ये कह रहा है कि भाई यहाँ से इसको HTTP को हटाओ, तो हमने यहाँ से HTTP को हटा दिया है। और यहाँ पर वेबसाइट का हमें नाम देना है डेली लाइव, और यहाँ से हमें इसको, ये हमारी वेबसाइट जो है वो डन हो गई है। यहाँ से अब हमें क्या करना है, अब हमें आ जाना है सीधा गूगल सर्च कंसोल के अंदर और वहाँ पे हम अपनी वेबसाइट को जो है ऐड करा देंगे। इसको ऑटोमेटिक स्कैन कराएंगे कि भाई तू ये कहाँ का। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आपको इसको खुद ही समझ में वो कर लेना चाहिए। तो अभी हम फिलहाल इसको अभी ऐसा नहीं कर रहे, अभी हम क्या करेंगे गूगल सर्च कंसोल के अंदर आएंगे। जो कर रहा हूँ वही करो, बस छोड़ो ना। देखो ये मेजरमेंट आईडी है, इसको हमें कॉपी करना है यहाँ से और हमें आ जाना है इसके ऊपर। और बेसिक सेटिंग के अंदर हमें जो है यहाँ पे बेसिक सेटिंग के ऊपर हमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हमें सबसे नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद हमें यहाँ देखो जी लिख रहा है गूगल एनालिटिक्स फॉर, हमें यहाँ पे इसको जो है इसको ऐसे कर देना है और जो है एप्लीकेशन कर देना है यहाँ पे। और ये हमारा डन। भाई यार एक तो इसकी इंग्लिश से बड़ा परेशान हूँ मैं। अपडेट हो गया है और जो है अब क्या करना है हमें यहाँ से इसके ऊपर एडिट माई पब्लिशर आईडी, इसके ऊपर नेक्स्ट करना है। और यहाँ से जो है हमें रिक्वेस्ट रिव्यू के ऊपर हमें इसको भेज देना है। ये हमारा काम ख़त्म हो गया यहाँ तक। आधे घंटे के अंदर, 20 मिनट के अंदर, 25 मिनट के अंदर हमें अप्रूवल मिल जाएगा, क्योंकि हमारा जो एडसेंस है वो पहले से अप्रूव्ड है। तो अगर आप लोगों को चाहिए एडसेंस अप्रूव तो आप लोग उससे कॉन्टेक्ट करते हो। आप लोगों को चार से पाँच आर्टिकल डालने और आपको जो है अप्रूवल मिल जाएगा। तो इससे पहले कि मेरी वेबसाइट गूगल अब सर्च करने मतलब उसको अप्रूवल देने से पहले मैं इसके अंदर 5 आर्टिकल पूरे कर दूंगा। अभी आप लोगों के सामने 2 डाले हैं, ठीक है। और जैसे ही गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिलता है तो मैं आप लोगों को वीडियो बना के दिखा दूंगा कि कितनी देर में जो है मुझे अप्रूवल मिला है। इसको मैं कट कर देता हूँ यहाँ से। और ये गेटिंग रेडी के ऊपर जो हमारी वेबसाइट आ गई है, ADS.txt को ज़रूरत नहीं है इसके अंदर। तो यहाँ पे लिखते हैं गूगल सर्च कंसोल के अंदर हम देख लेते हैं इसको कैसे ऐड करना है। यहाँ से गूगल सर्च कंसोल के अंदर हमें इसको ऐड कैसे करना है वो हम देख लेते हैं। यहाँ से गूगल सर्च कंसोल और यहाँ से गूगल और ये
हमें यहाँ से अपना यूआरएल उठाना है कांजिया, ये रहा होम पेज का यूआरएल उठाना है भाई, कहीं और का मत उठा लेना। और इसको मैं यहाँ से कंटिन्यू, और ये हमारी मैं आप लोगों को सबसे पहले गो टू प्रॉपर्टी करेंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं, गूगल एनालिटिक्स का अकाउंट सबसे पहले ज़रूरी है बनाना, और यहाँ पे जो है बेसिक सेटिंग के अंदर हमें जो है प्रोफाइल लगाना, वो बेसिक सेटिंग के अंदर जो मैंने सेटिंग करी है वो करना ज़रूरी है, उसके बाद जाके ये आपकी गूगल सर्च कंसोल के अंदर ऐड होगा। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से साइड मैप के ऊपर मैं आऊँगा, और यहाँ से मैं sitemap.xml, ये सब मैं इसलिए कर रहा हूँ कि एडसेंस का अप्रूवल लेने में हमें आसानी हो, और जो है हमारी साइट जो गूगल सर्च कंसोल के अंदर, सॉरी गूगल सर्च इंजन के अंदर ऐड हो जाए। sitemap.xml मैंने यहाँ से करा xml और यहाँ से सबमिट कर दिया, और ये हमारा गोटेड। और यहाँ पे भी कुड नॉट फेच आ रहा है, तो हम इसको थोड़ा सा यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे, और ये यहाँ पे हमारा सक्सेस हो चुका है, ठीक है। और अब देखना ये है कि सक्सेस तो हो चुका है, अब यहाँ पे कुछ देर बाद यहाँ पे हमारे पेज भी आ जाएंगे, ठीक है। अब देखना ये है कि कितनी देर में हमें जो है वो अप्रूवल मिलता है गूगल एडसेंस का, और जो है जैसे ही अप्रूवल मिलेगा मैं आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है। और ये जो सब सेटिंग्स मैंने की हैं सारी, ये आप लोगों को करना बहुत ज़रूरी है, नहीं करेंगे तो मसला आ सकता है। 5 आर्टिकल डालो, अप्रूवल लो, किस तरीके से ऐड करना, पूरा शुरू से लेके एंड तक मैंने बना दिया है, सब कुछ सेट कर दिया है, जिस तरीके से मैंने करा वो सेटिंग सारी आपको करनी है, जो मैंने करा वो आपको करना है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।